नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग घनाभ एवं घन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। घनाभ एवं घन को जानने से पहले हमें कुछ द्विविमी आकृतियों के उदाहरण देखने होंगे। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज एवं चतुर्भुज समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। समतल आकृतियों की दो विमाएं होती हैं और इसीलिए इन्हें हम द्विविमीय आकार कहते हैं। ऐसे आकार जो तीन दिशाओं में विस्तारित होते हैं उन्हें हम त्रिविमीय आकार या आकृति कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घनाभ, बेलन, शंकु, घन एवं पिरामिड दिखाई पड़ रहा है। ये सारी आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें शीर्ष होता है, फलक होता है, किनारा होता है। आवश्यक नहीं कि सभी में हो, लेकिन इन सभी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। अब हम घनाभ के बारे में देखेंगे। घनाभ एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। आयताकार कागज के पन्नों को एक के ऊपर एक रखने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम घनाभ कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, आयताकार आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रखने से हमें घनाभ जैसी आकृति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए रबर, जिसे आप कॉपी पे पेंसिल से लिखने के बाद मिटाते हैं, माचिस की डिब्बी, पेंसिल बॉक्स जो आप स्कूल ले जाते हैं, डस्टर, साबुन का डिब्बा इत्यादि सभी त्रिविमीय आकृतियां हैं और ये सारी आकृतियां घनाभ के उदाहरण हैं। आइए अब हम घनाभ के अलग अलग भागों के बारे में जानने का प्रयास करें। घनाभ में आठ कोने होते हैं। घनाभ के इन आठ कोनों को उनका शीर्ष कहते हैं। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंडों को किनारा या कोर कहते हैं। घनाभ में कुल 12 कोर होते हैं। घनाभ के आयताकार अथवा वर्गाकार बाहरी भाग को पृष्ठ कहते हैं। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों के कुल 3 युग्म होते हैं। अगर हम घनाभ को बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह की आकृति घनाभ कहलाती है। इस घनाभ में आप देख सकते हैं कि कुल 8 शीर्ष हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन्हें हम घनाभ का शीर्ष कहते हैं। घनाभ के ढांचों को बनाने वाले रेखाखंडों को घनाभ का किनारा कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसे हम घनाभ का किनारा कहेंगे। अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो ये कुल 12 होती है। हम कह सकते हैं कि घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। घनाभ के आयताकार अथवा वर्गाकार बाहरी भाग को पृष्ठ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग एक पृष्ठ ऊपर, एक पृष्ठ नीचे और चारों तरफ से 4 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें हम इसमें देख सकते हैं, एक पृष्ठ ये है 1, दूसरा पृष्ठ ये है 2, तीसरा पृष्ठ ये है 3 और उसी तरह से कुल 3 पृष्ठ इसके पिछले भाग पे भी होंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से ऊपर और नीचे के पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। उसी तरह से दाएं बाएं के दो पृष्ठ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं और आगे और पीछे के दो पृष्ठ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों के कुल 3 युग पाए जाते हैं। आइए अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करें। हमें पता है कि घनाभ में कुल
हमें पता है कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ पाए जाते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। चित्र में आप देख रहे हैं टूथपेस्ट के एक डिब्बे को दिखाया गया है। यह डिब्बा घनाभ के आकार का है। अगर इस डिब्बे को खोला जाए तो चित्र जैसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें पृष्ठ 1, उसके ऊपर पृष्ठ 2, फिर पृष्ठ 3, पृष्ठ 4, पृष्ठ 5 और पृष्ठ 6 दिखाई पड़ेंगे। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें अलग अलग इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा और फिर इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम जोड़ के घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ 1 धन पृष्ठ 2 धन पृष्ठ 3 धन पृष्ठ 4 धन पृष्ठ 5 धन पृष्ठ 6 का क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि हम किसी घनाभ की कल्पना करें, या जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो, तो अलग अलग 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल H गुणे L, पृष्ठ 2 का क्षेत्रफल B गुणे L, पृष्ठ 3 का क्षेत्रफल L गुणे B, अगले पृष्ठ का क्षेत्रफल L गुणे H, फिर B गुणे H और L गुणे B प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जहां L, B, H क्रमशः घनाभ के 3 कोर हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से हम 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जहां L, B, H क्रमशः घनाभ के 3 कोर हैं। घनाभ की दीवारें अर्थात तल एवं शीर्ष के अतिरिक्त फलक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए जिस घनाभाकार कमरे में आप अथवा हम बैठे हुए हैं, उस कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जिस कमरे में हम बैठे हैं या आप बैठे हुए हैं, उसमें कुल 4 दीवारें हैं। अगर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करें तो वह घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जो कमरा होता है वह घनाभ के आकार का होता है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ करके हम कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि फर्श और छत को ऊपर की तरफ अलग अलग दिखाया गया है, वो पार्श्व पृष्ठ में नहीं आता है, सिर्फ चारों दीवारें ही पार्श्व पृष्ठ में आती हैं। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे एच इंटू एल धन बी इंटू एच के बराबर होगा, जिसमें छत और फर्श के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाएगा। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसकी जो 4 दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल, धन आधार और छत के क्षेत्रफल या फर्श और छत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल आधार का होता है वही क्षेत्रफल उसके ऊपरी भाग का भी होता है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के पश्चात अब आइए हम घनाभ के आयतन को जानने का प्रयास करें। त्रिविमीय वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। घनाभ का आयतन उसके द्वारा घेरे गए स्थान की माप होता है। चूंकि घनाभ अनेक आयताकार आकृतियों को एक के ऊपर एक रखकर प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अतः यदि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल a हो तथा उन्हें h ऊंचाई तक एक के ऊपर एक रखकर घनाभ प्राप्त किया गया हो, तो घनाभ द्वारा घेरा गया स्थान अर्थात घनाभ का आयतन आयत के क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई के बराबर होगा। इस प्रकार घनाभ के आयतन को आयत के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के रूप में हम देख सकते हैं। इसे हम v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच कहेंगे। यदि घनाभ की ऊंचाई h, लंबाई l और चौड़ाई b हो, तो घनाभ के आयतन को l गुणे b गुणे h के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां l, b और h घनाभ की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई है।
आइए अब हम घन के बारे में जानने का प्रयास करें। घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। इसके पहले हम लोगों ने घनाभ के बारे में जाना। घनाभ में जब सभी फलक अथवा पृष्ठ बराबर हो जाते हैं तो वह आकृति घन कहलाती है। घनाभ में जब सभी फलक और पृष्ठ बराबर हो जाते हैं तब वह आकृति घनाभ से घन बन जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक वर्गाकार आकृति दिखाई पड़ रही है जिसके सारे फलक वर्गाकार दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात घनाभ में जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वह आकृति घन कहलाती है। अब हम घनाभ की तरह ही घन के अलग अलग भागों को जानने का प्रयास करेंगे। घन में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। जैसा कि घनाभ में हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हम देखते हैं कि शीर्ष की संख्या घनाभ की तरह ही घन में भी 8 होती है। घन में भी घनाभ की तरह ही 12 कोर होते हैं। घन में भी पृष्ठ 6 होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन घन और घनाभ में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि घन के सभी 6 पृष्ठ सर्वांगसम होते हैं, जबकि घनाभ में सर्वांगसम पृष्ठ जबकि घनाभ में कुल 3 सर्वांगसम पृष्ठों का युग्म होता है। आइए अब हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगर हम एक घन की कल्पना करें जिसका एक फलक a सेंटीमीटर हो तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि घन में जितने पृष्ठ हैं वो सभी वर्गाकार हैं, अतः घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके उस वर्गाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर होगा, जहां पे ए घन की एक कोर या एक भुजा है। घन का आयतन, घन घनाभ का एक विशेष उदाहरण है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। अतः घन का आयतन उसके किसी एक किनारे के घन के बराबर होता है। इस प्रकार हम घन के आयतन को किनारा गुणे किनारा गुणे किनारा के रूप में लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए घन की एक भुजा है अथवा एक किनारा है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने घनाभ और घन के बारे में जानकारी हासिल की। ये देखा कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर होते हैं और कितने पृष्ठ होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 पृष्ठ होते हैं। घन घनाभ का एक विशेष उदाहरण है जिसमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब बराबर हो जाए तो वह एक दूसरे प्रकार की ज्यामिति आकृति में बदल जाता है, जिसे हम घन कहते हैं। घन अथवा घनाभ दोनों का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।